बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के अल्टरनेटिव के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम जो है वे प्रोटीन के थ्रू अपना प्रोटीन सोर्स को नहीं लेना चाहते हैं, या आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमें प्रोटीन की जो सोर्स है वो किसी और फूड्स के थ्रू लेनी पड़ती है, न्यूट्रिशन के थ्रू हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस फूड्स के बारे में, ऐसे ऐसे फूड्स के बारे में जिसमें मतलब जो कि बहुत ही कॉस्ट में चीप भी हैं और साथ में हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देते हैं और साथ में उनकी प्रोटीन भी हाई क्वालिटी प्रोटीन में काउंट होती है। तो ये बेसिकली जो आज का मेरा फूड्स है वो वेजिटेरियंस के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी है। सो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो हमारा जो पहला फूड है वो है हमारा एग, ठीक है। तो बेसिकली अगर एग की बात करें तो वो मार्केट में करीब आपको 4.5-5 रुपये के आसपास अगर आप कैरेट के हिसाब से लेंगे तो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 5 ग्राम फैट मिल जाएगा, कार्ब्स भी करीब 0.68 ग्राम के पास मिल जाता है। और एग की अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है करीब 100 के आसपास होती है, उसी से मतलब और फूड्स को कंपेयर किया जाता है। तो मतलब एक चीप और बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप चाहें तो एग ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में, अगर आप चाहें तो 4 अंडे तक ले सकते हैं, 3-4 मतलब आप अंडे तक ले सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट वगैरह हैं आप, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, इसको लेने के पहले न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। लेकिन ऐसे आप एग को पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत दिन तक एग से अपने पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन को दिया था। अब जो हमारा जो सेकेंड वो है फूड सोर्स है वो है हमारा पनीर। ये मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं जिनको मतलब नॉन वेज नहीं ले सकते हैं उनके लिए पनीर एक बेहतर सोर्स है प्रोटीन को लेने का। अगर आप बात करेंगे पनीर की तो करीब मार्केट में वो आपको 30 रुपये के आसपास आपको 100 ग्राम मिल जाएगा, जिसमें 19-20 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है पनीर में, लेकिन क्योंकि हमें अल्टरनेटिव लेना है और हमें फूड सोर्स से लेना है तो भाई उतना तो बनता है। तो जो ये पनीर है हमारा, ये हमें साथ में फैट दे रहा है और कार्ब्स दे रहा है, बट ये हमारे प्रोटीन सोर्स को भी पूरा कर रहा है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा चॉइस है, आप प्रोटीन को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। अब जो जो तीसरा जो चीज़ है हमारा वो है चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट वो हो गया जो हमारा छाती का पीस हो गया चिकन का, उसे आप मतलब अगर आप चाहें तो उबाल के भी ले सकते हैं या फिर उसे बना के भी फ्राई करके भी ले सकते हैं, लो फैट ऑयल में आप इसे ले सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट की अगर बात करें तो उसमें भाई बहुत ही हाई प्रोटीन होता है क्योंकि वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उसमें आपको 100 ग्राम में 30-31 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा, फैट बहुत कम रहता है, करीब 4-5 ग्राम के आसपास आपको फैट मिलेगा, कार्ब्स भी लगभग कम ही होता है, मान के चलो 0 के बराबर होता है कार्ब्स उसमें। तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे तो चिकन ब्रेस्ट के थ्रू ले सकते हैं, आप उसे चाहे तो पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं, बिटवीन द डिनर्स ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अब ये हमारा चौथा सोर्स जो है वो हमारा जो मतलब जो लोग वेजिटेरियन से स्पेशली उनके लिए, क्योंकि एक नॉन वेज एक वेज कवर कर रहे हैं, इसलिए जो सेकेंड जो ये चौथा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये सोया चंक्स। सोया चंक्स की अगर बात करें तो सोया चंक्स बहुत ही चीप और बहुत ही गुड सोर्स है, ये हमारा आज का स्टार्टिंग डे दिन भी है। तो ये जो है हमारा जो सोया चंक है ये हमें 50 ग्राम की बात करें, क्योंकि 100 ग्राम तक हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको कई बार गैस्ट्रोनियल इशूज़ वगैरह होते हैं और ऐसा उसका कुछ खास टेस्ट वगैरह भी मतलब अगर बॉयल करके खाओगे तो आपको इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आप 50 ग्राम तक आप इसे ईजिली यूज़ करें, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे। जो लोग बोलते हैं कि गायनों की प्रॉब्लम हो जाती है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सोया चंक को ले भाई, ये देखिए मैं सोया चंक यूज़ करता हूँ, मतलब ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द, इसे दाल के साथ आप डाल के यूज़ कर सकते हैं, आपको चावल के साथ डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो नाश्ते में से थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। आपको ये 50 ग्राम में, अगर 50 ग्राम आप सोया चंक लेंगे तो उसमें 26 ग्राम आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलेगा। कार्ब्स में थोड़ा हाई रहता है, फैट की बात करेंगे तो फैट लो रहता है, तो इतना चलता है भाई, क्योंकि आप वे प्रोटीन के अल्टरनेटिव में जा रहे हैं। वे प्रोटीन को स्पेशली इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है भाई लो रहेगा सब चीज़, कार्ब्स और फैट इन कंपेयर ऑफ फूड आइटम्स। तो आप इसे भी ले सकते हैं, अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, 10 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है मार्केट में। अब हमारा जो अगला फूड है वो है कर्द, दही। यहाँ पे हम ग्रीक योगर्ट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रीक योगर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है दही के मुकाबले, कर्द के मुकाबले। आप अपने डाइट में दही को ले सकते हैं, दही बहुत ही सस्ता है। अगर आप बात करें दही की तो करीब आपको मार्केट में वही 12-15 रुपये के आसपास आपको 100 ग्राम मिल जाता है। दही में अच्छा खासा प्रोटीन है, बात करें तो 11-12 के हिसाब से आपको प्रोटीन मिल जाता है।
और चीज़ के मुकाबले, तो ये चीप सोर्स है। और साथ में आपको दही की अगर बायोअवेलेबिलिटी को देखें तो वो भी कोई कम नहीं है, वो भी बायोअवेलेबिलिटी इसको ठीक ठाक मिल जाती है, तो प्रोटीन अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जिन लोगों को लैक्टोज की प्रॉब्लम उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप इसे चाहे तो दही को ले सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दही भी आपको एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए खास करके। अब हमारा एक आता है पीनट। पीनट मीन्स हो गया हमारा मूंगफली का दाना। मूंगफली का दाना आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होती है लेकिन साथ में फैट भी हाई होता है। तो मूंगफली के दाने अगर आप यूज़ करते हैं तो मूंगफली के दाने हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करने, क्योंकि अगर हम मूंगफली के दाने ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें फैट के कंटेंट ज़्यादा है, तो आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप चाहें तो मूंगफली के दाने को भी वही 30-40 ग्राम मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं, मुट्ठी में लेके यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के टाइम में तो मूंगफली के दाने को लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाने में भी अच्छा लगता है। मूंगफली के दाने को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, उससे प्रोटीन भी हाई होती है और आपको गुड फैट भी मिलता है। अब जो हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ये जो बीन्स होते हैं हमारे, जैसे हमें आपका हो गया किडनी बीन्स हो गया, सोया बीन्स हो गया, और इस टाइप के जो लिग्यूम्स हो गए जैसे में चना हो गया हमारा, चिक पीज हो गया, इस चीज़ को आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। मिक्स करके आप इसे चाहे तो रात में पानी में फुला करके सुबह में खा सकते हैं नॉर्मली, चाहे तो इसकी सब्जियाँ भी बना के खा सकते हैं, जो आलू वगैरह डाल के आप बनाते हैं। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, साथ में थोड़ा कार्ब्स भी मिलेगा, जो आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प मिलेगा आपको काफ़ी। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के नेचुरल फूड से, आपको वे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो नेचुरल फूड से हाई प्रोटीन सोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हमने इंक्लूड किया हुआ है मिल्क को, क्यों, क्योंकि बात करें मिल्क की तो मिल्क में प्रोटीन की कंटेंट थोड़ी कम होती है। अगर आप 100 ग्राम के आसपास मिल्क लेंगे, 100 ml के आसपास मिल्क लेंगे तो आपको करीब 3 या 3.5 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इसलिए मिल्क जो है हमने सबसे लास्ट में ऐड किया हुआ है, क्योंकि इन सबों के मुताबिक मिल्क में जो कंटेंट है प्रोटीन की वो थोड़ी कम है। अब बात करें हम कि क्या हम इन सबों को वे प्रोटीन के साथ पूरे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो देखिए मैंने इस वीडियो को अल्टरनेटिव के तौर पे बताया, क्योंकि आप वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या आपके घर वाले आपको नहीं अलाउ करते हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है फूड्स आइटम के थ्रू लेने के अलावा। इसलिए इस चीज़ को अगर आप कंसिडर करें तो ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, क्योंकि वे प्रोटीन को अगर बात करें तो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस पर्पज़ के लिए कि उसमें आपको केवल प्रोटीन लेना है, फैट और कंटेंट और उसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। लेकिन आप अगर इससे कंपेयर करें तो फैट और कार्ब्स कंटेंट थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन आपको ये मसल बिल्ड करना है ज़रूर हेल्प करेंगे। आप इसे चाहे तो अपने रोज़ के खाने में भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको अपने प्रोटीन कंटेंट को हाई करने के लिए। एक्चुअली हम खुद भी इसे ऐड करते हैं अपने खाने में, रोज़ के खाने में कभी दही ले लिया, कभी न्यूट्रीला ले लिया, क्योंकि हमें भी अपने, क्योंकि वैसे तो आप पूरे तरीके से ले नहीं सकते हैं प्रोटीन को, आप कितने स्कूप लेंगे, एक दिन में 2 लेंगे 4 लेंगे, उससे ज़्यादा स्कूप तो वे प्रोटीन भी आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि महंगा तो पड़ेगा ही और साथ में रिकमेंड भी उतना प्रोटीन नहीं होता है वे के थ्रू लेना। तो इसलिए आप चाहे तो फूड आइटम्स को ज़रूर इंक्लूड करें, जो लोग वे प्रोटीन यूज़ करते हैं वो लोग भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जो लोग वे प्रोटीन नहीं यूज़ करना चाहते या नहीं यूज़ करते वो लोग भी सिर्फ इस फूड आइटम्स को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। इनसे उन्हें मसल बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और आप यकीन मानिए ये सारे फूड जो हैं अगर आप वे के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। तो भाई अगर वीडियो आपको पूरे तरीके से समझ में आया हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो हर तरीके से, मैं मतलब आपको सब वीडियो को आप अच्छे से आप एनालिसिस कर लिए हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।